ओके दोस्तों वेलकम है यूट्यूब चैनल है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपको प्रीवियस वीडियो इस इन्वर्टर की बहुत पसंद आई थी ये हमने 300 सौ का इन्वर्टर बनाया था जिसकी जिससे हम जिस पर हम छोटी से छोटी बैटरी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें हम करंट को एडजस्ट कर सकते हैं चार्जिंग करंट को अभी इसमें कमी रह गई थी हीट सिंक जो है गर्म हो रही हैं ठीक है थीके? जिस पर ये मॉसवेट लगे हैं ये गर्म हो रही हैं चार्जिंग के दौरान क्योंकि जब बैटरी चार्ज होती है तो पाँच छः एम भी जाता है तो उस हिसाब से जो है इसकी हीट सिंक गर्म हो रही हैं और किसी भी इन्वर्टर में हीट सिंह गर्म होगी ही होगी हीट सिंह का काम यही है कि वो मॉस मॉसफेट से हीट को ले सके और जल्दी से जल्दी एयर में उस हीट को डिस जो है फैला सके ठीक है हीट एक जगह एकुमलेट ना हो इसलिए हमने यहाँ पर सीपीयू वाला एक फ़ैन लगा दिया है बारह वोल्ट का देख सकते हैं ब्रोसलेस फैन है इसका एक कनेक्शन बैटरी के सीधे माइनस में और दूसरा जहाँ बैटरी भी प्लस वायर जा रहा है मतलब जो बैटरी में नेगेटिव पॉजिटिव वायर जा रहे हैं सीधे उनसे कर दिया है कनेक्ट जितनी देर इन्वर्टर चलाएंगे उतनी देर फ़ैन चलेगा और जितनी देर चार्जिंग रहेंगी उतनी देर दे फ़ैन चलेगा ठीक है अब मैं एक बार लगा के भी चेक करता हूँ वैसे मैंने सारे कनेक्शन प्रॉपर करें हैं कोई इशू नहीं आएगा इसमें और वायर मैंने पॉइंट सेवन फाइव स्क्वायर एम का यूज़ करा है ठीक है आप बार बार पूछ रहे थे जो किट है ये साढ़े सात सौ रुपये की मैंने परचेस करी है फ्लिपकार्ट से ये देख सकते हैं आप ये फ़ैन रोक के देखना होगा ठीक है सही चल रहा है और इस फैन का फ़ायदा ये होता है नॉइस बिल्कुल नहीं करता और अब जो है हमारी हीट सिंक थोड़ी सी भी मतलब कि मामूली सी भी गर्म नहीं होगी क्योंकि लगातार फैन चलता रहेगा इस पीसी में भी जो पी सी भी इन्वर्टर वाली किट जो है इसमें अलग से कनेक्शन नहीं दिया सीपी फैन का इसलिए मुझे डायरेक्ट लगाना पड़ा है अभी ही हमारा जो इसका फ्लैप है इन्वर्टर कवर इतनी दूरी पर रहेगा दो इंच पर तो इस पर अच्छे से पंखा काम करेगा फ़ैन काम करेगा इशू नहीं आएगा दोस्तों आप पूछ रहे थे इस ट्रांसफार्मर के बारे में ये ट्रांसफार्मर बारह जीरो बारह का है और सत्तर एम का है सेवनटी एम का ट्रांसफार्मर और ये पंद्रह सौ रुपये के अंदर आप जो है ट्रांसफार्मर जहाँ बनते हैं स्टेबलाइजर बनते हैं वहाँ से बनवा सकते हैं कॉपर में एल्यूमिनियम का आपको हज़ार बारह का पड़ जाएगा ये प्योर कॉपर में है तो पंद्रह सौ का ये ट्रांसफार्मर पड़ेगा और ये ट्रांसफार्मर कभी भी ख़राब नहीं होता है क्योंकि इन्वर्टर में इनपुट में फ्यूज़ लगा रहता है और जिसकी सेकेंड वाइंडिंग होती है बहुत मोटी होती है ये जो इंडिकेटर वाला कनेक्शन है यहाँ पर हर एक एल के साथ एक एक हज़ार रोम का स्टैंड लगाया गया है कुल मिला के हमारा पूरा इन्वर्टर है ये जो स्क्वायर इन्वर्टर है वर्किंग बढ़िया है सक्सेस है और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो ऐसी उम्मीद करते हैं दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है थैंक यू